कार के टूटे शीशे और बिखरे हुए कांच के ये टुकड़े बता रहे हैं कि इस कार को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। दिल्ली के छत्तरपुर इलाके से आम आदमी पार्टी विधायक करतार सिंह तंवर अपने एक साथी के साथ इसी वैगनआर कार से कहीं जा रहे थे। छतरपुर में ही अचानक विधायक की कार के सामने एक ऑल्टो कार रुकती है। इस कार से तीन बदमाश निकलते हैं। बदमाशों ने अपना मुंह ढक रखा था और उनके हाथ में रॉड और डंडे थे। दोनों बदमाशों ने विधायक जी की कार पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। हमले में विधायक को मामूली चोट आई, लेकिन उनका एक साथी घायल हो गया। घायल का एम्स में इलाज चल रहा है। बंद रोड पे हम चल रहे थे, तभी अचानक एक गाड़ी ने रास्ता रोक के आगे गाड़ी लगा दी साइड से। जब तक गाड़ी करीब करीब रुकने को ही थी, और वो भी बहुत स्पीड से गाड़ी से दोनों तरफ से खिड़कियां खुली और दो लड़के उसमें से उतरे। दोनों के हाथ में एकदम से दिखाई दिया कि लोहे की रॉड थी। कुछ समझ नहीं आया क्या होने जा रहा। उन्होंने फटाफट ताबड़तोड़ एकदम से हमला कर दिया। विधायक करतार सिंह के मुताबिक उनमें से एक बदमाश के हाथ में पिस्तौल भी थी, लेकिन ड्राइवर ने तेजी दिखाते हुए वहां से कार को भगा लिया। तभी एक तीसरा व्यक्ति उतरा, उसके हाथ में पिस्टल थी और उसने सीधी हमारी तरफ पिस्टल आके बढ़ाई। लेकिन संयोग था कि हमारी गाड़ी नहीं रुकी और हम उनकी गाड़ी से आगे निकलकर भागने में सफल रहे। विधायक करतार सिंह ने किसी तरह की रंजिश से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस ने विधायक की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है।